बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपको रीडर का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 1 जो था बुक का लर्न्स लेसन, ठीक है। आज मैं चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक पोयम है, द स्विंग। स्विंग मीन्स झूला, जिसपे झूलते हैं, ठीक है, स्विंग। एंड द पोएट नेम इज रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन। रॉबर्ट लुइस, देखिए यहाँ ध्यान से, पोयम का नाम है द स्विंग, पोएट नेम इज रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन। ये आपके पोएट हैं एंड इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न द नेम ऑफ पोएट। ओके, ये आपका चैप्टर 2 का पोयम है। इनका पोएट का नाम है रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आपको देखिए ध्यान से, हियर गाइस, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू। ओ, आई डोंट थिंक इट इज द प्लीजेंट थिंग्स डियर अ चाइल्ड कैन डू। इसमें जो पोएट है वो कह रहे हैं, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन, कैसे तुम झूला में झूलना चाहते हो। अप इन द एयर सो ब्लू, क्या एकदम ऊपर ऊंचे आसमान में, जो ब्लू कलर का आसमान है, ऊपर उतना ऊपर उड़ना चाहते हो। ओ, आई डू थिंक इट द प्लीजेंट थिंग्स एवर अ चाइल्ड कैन डू। मुझे लग रहा है बहुत ही खुशी की बात होगी जब बच्चा मतलब झूला में झूल के आसमान को छू लेगा। अप इन द एंड वन मोर थिंग, प्रेजेंट, प्रेजेंटेस्ट मीन्स बहुत ही खुशी, प्रेजेंट मीन्स खुशी, प्रेजेंटेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रेजेंटेस्ट, ओके, मतलब सबसे ज्यादा खुशी, बहुत खुशी। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, दीवार के भी आगे, ऊपर हवा से भी ऊपर। टिल आई कैन सी सो वाइड, मैं जब तक बहुत चौड़ा बहुत ऊंचा ना देख लूं तब तक मैं उड़ना चाहता हूँ। रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, रिवर, नदी, झाड़ी और ये सब मैं देखना चाहता हूँ। ओवर द कंट्री साइड, पूरे साइड में, पूरे में ऊपर नीचे अगल बगल में पूरी दुनिया को एक तरह से देखना चाहता हूँ, ठीक है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जब तक कि मैं पूरे बगीचे हरियाली नहीं देख लूं। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, जमीन जो है वो काफी ब्राउन नजर आता है। अप इन द एयर आई गो फ्लाई अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन, जब मैं झूला पे झूलता हूँ झूला मुझे कभी ऊपर लेके जाता है कभी नीचे लेके आता है। तो मुझे लगता है जब झूला, बच्चे आपने भी झूला पे झूला होगा, आपने देखा होगा जब आप झूला पे बैठते हो तो झूला कभी ऊपर लेके जाती है आपको और कभी नीचे। जब आप झूला पे ऊपर जाते हो तो आपको लगता है कि आप आसमान को छू रहे हो, पूरा कैटल्स, पूरे झाड़ झड़ियां, पूरा प्लांट, सारे गार्डन्स, रूफ सब आपको लेते हुए आपको लग रहा है जैसे आप ऊपर जा रहे हो। और जब वापस वो टर्न बैक होता है तो आपको लग रहा है जैसे आप आसमान से नीचे आ रहे हो, ठीक है। तो ये झूला का एक्सपीरियंस बता रहा है, ये जो पोएट है वो झूला एक्सपीरियंस बता रहा है कि कैसे हम झूला पे झूलते हैं और कैसे हमें फील होता है कि हम एकदम ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं। आपने भी झूला पे झूला ही होगा, महसूस हुआ होगा आपको जब आप बैठते हो तो आप आसमान, एक बार जब ऊपर जाते हो तो आप आसमान को छूते हो, फिर नीचे आते हो तो लगता है जैसे कि हम रूफ तक आ गए। सो दिस इज द पोयम रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन। और ये जो पोयम है इसका वर्ड मीनिंग भी मैं आपको लिख पाऊंगी और इसे क्वेश्चन आंसर भी लिख पाऊंगी, लेकिन पहले ये पोयम अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, कैसे तुम्हें लगता है तुम झूला पे जब जाते हो तो। अप इन द एयर सो ब्लू, आसमान में एकदम आपको ब्लू कलर का नजर आता है, जब आप झूला पे से झूलते हो तो आपको सब ब्लू ब्लू नजर आता है, आपको लगता होगा कि आसमान को आप छू रहे हो, ऐसा फीलिंग आपको होती होगी जब आप झूला पे झूलते होगे तो। ओ, आई डोंट थिंक इट इज द प्रेजेंट थिंग्स एवर अ चाइल्ड कैन डू, मुझे लगता है ये बहुत ही खुशी की बात होती है जब बच्चा इस तरीके से झूला झूल के अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, टिल आई कैन सी सो वाइड, रिवर एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, सारा चीज बच्चा देखता है, झाड़ी, रिवर, जब वो झूला पे झूलता है तो उसे लगता है कि सब कुछ मेरे साथ साथ वो मूव आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पोयम है इसकी समरी कल मैं आपको बताऊंगी, इसकी समरी भी कल मैं आपको कॉपी में लिखवाऊंगी।
और जब तक ये पोएम मैंने पढ़ा दिया है, ये देखिए ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, अगर बच्चे आपके पास किताब है तो किताब में कर लो, नहीं तो फिर मैं आपको कॉपी में, दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू बाय रीडिंग दिस पोएम, ओके। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू लर्न पोएम ऑल्सो, चार लाइन आप सिर्फ याद कर लो कल, ठीक है, 1, 2, 3, 4 पैरा भी अगले याद कर लोगे तो उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आप ये चार लाइन आप याद कर लो अगर आपके पास किताब है तो, और नहीं है तो आप प्लीज, दिस इज माय हम्बली रिक्वेस्ट, सो प्लीज यू डू राइट इन योर रफ कॉपी, आप अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिए चार लाइन और इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दिस यू कैन डू बाय लर्निंग रीडिंग दिस पोएम, इस पोएम को याद करके, इस पोएम को पढ़ के आप फिल इन द ब्लैंक्स को कम्प्लीट कर सकते हो। इफ यू आर डूइंग देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हो तो डजेंट मैटर, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं आपको ये कल बता दूंगी। अप इन द डैश सो ब्लू, ये बस तीन फिल इन द ब्लैंक्स है जिसे आपको करना है, ठीक है। ये आप चार लाइन याद कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स याद कर लोगे, और फिर मैं कल आपको पोएट के बारे में और समरी कॉपी में लिखवाऊंगी, जब तक आप पोएम याद करो और फिर इन द ब्लैंक्स जो मैंने आपको दिया है कर लीजिए, ठीक है। सो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।